हम बात कर रहे हैं इन्फीबीम की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक ने हमको 5% के ऊपर के अपसाइड के साथ क्लोजिंग दिखाई है। हम देख सकते हैं स्टॉक ने हमको बड़ी बाइंग देखने के लिए मिली, 41 तक का जंप स्टॉक ने दिखाया है। और इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, स्टॉक ने 30 के लेवल से बाउंस बैक किया है, हाई आ रहा है, पैटर्न दिखा रहा है, हमको लगातार तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। तो इसका यह हाई ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन इसके साथ हमने और एक बात को डिस्कस किया था जिसको अगेन हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे इसके सपोर्ट लेवल को। अब स्टॉक ने जिस लेवल को ब्रेकआउट दिया है 40 का लेवल, ये इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, एक तगड़ा सपोर्ट रहेगा अब इसका, क्योंकि इसी लेवल से स्टॉक ने हमको गिरावट दिखाई थी, 30 तक का फॉल देखने के लिए मिला था। हम देख सकते हैं 3 दफ़ा स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था, ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया और बड़ा सेलिंग देखने के लिए मिला था, बाउंस बैक हुआ है, तो इस लेवल को ब्रेकआउट किया है। अब यही लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल रहेगा 3850 का लेवल। और अब तगड़े सपोर्ट को डिस्कस करें तो 3334 का लेवल इसका तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि 40 के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक को 40 के ऊपर एक दो दिन सस्टेन होना इम्पॉर्टेंट रहेगा। स्टॉक ने हमको क्लोजिंग दिखाई है 40 के ऊपर। अब 40 का लेवल सपोर्ट का काम करेगा लेकिन यहाँ से अगर बड़ा सेलिंग अब हमको देखने के लिए नहीं मिलता, स्टॉक 40 के लेवल के ऊपर ही सस्टेन होता हुआ नज़र आ जाता है, तो वैसे कंडीशन में इन्फीबीम में हमको फिर बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। अब इमीडिएट रेजिस्टेंस फेस करने वाला है, जहाँ तक का हमको जंप लास्ट ट्रेडिंग डे में देखने के लिए मिला था 4120-4130 का लेवल इमीडिएट रेजिस्टेंस फेस करेगा। इसको ब्रेकआउट कर गया तो अगला टारगेट 44 और 44 के ब्रेकआउट के बाद 48 से लेके 50 के भी टारगेट इन्फीबीम हमको शॉर्ट टर्म में ही दिखा सकता है। वीडियो अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।